हेलो दोस्तों, मैं नाम है अजय। दोस्तों आज मेरे पास एक आईफोन 11। दोस्तों इस फ़ोन में ये दिक्कत आ रही है कि ये फ़ोन अपने आप हर 2 मिनट में जो है कि स्विच ऑफ हो जाता है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाता है। तो दोस्तों यही दिक्कत इसमें चाहे कुछ आ रही है, चाहे कॉलिंग पे करो या फिर वीडियो देखो, कुछ भी करो, तो ये 2 मिनट से ज़्यादा दोस्तों 2 मिनट से चल ही नहीं रहा है। तो हर 2 मिनट में दोस्तों ये बंद हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ डेमो कितनी देर बंद हो रहा है। चलिए मैं कोई वीडियो प्ले कर लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने वीडियो ब्लर कर दी, ताकि कोई कॉपीराइट का ऐसे क्लेम ना है, इसलिए मैंने ब्लर कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से मैं गाना प्ले करता हूँ 5 मिनट का या 4 मिनट का, और मैं यहाँ से वीडियो प्ले करता हूँ, ठीक है। फिर आपको दिखाता हूँ कितने मिनट में ये फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसके गाने प्ले किया, अब मैं यहाँ से इसको टाइमिंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप वेट करते हैं और देखते हैं कि कितने मिनट में ये जो है कि फ़ोन हमारा बंद होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये फ़ोन बंद हो गया है और 1 मिनट 56 सेकंड में ये फ़ोन बंद हुआ है, यानी कि दोस्तों 2 मिनट में ही ये फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो गया। और ये देखिए यहाँ पे अब ऑन होगा, यहाँ पे ये रीस्टार्ट अभी हुआ नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे रीस्टार्ट हो गया है, तो यानी दोस्तों 2 मिनट के अंदर ये फ़ोन बंद हुआ है, उसके बाद अपने आप ये ऑन हुआ है। तो दोस्तों यही दिक्कत कस्टमर को फेस करने को मिल रही है कि ये फ़ोन काफ़ी 2 मिनट के ज़्यादा चलता ही नहीं है, ठीक है। दोस्तों इसका आज मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम अगर आती है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप कस्टमर हो तो आप नहीं कर सकते, लेकिन इसको तो शॉपकीपर के पास ही ले जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको बस सोल्यूशन बताया है कि क्या इसमें प्रॉब्लम होगी, जिससे कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये फ़ोन है, तो मैं इसको पहले स्विच ऑफ करता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है कि बैटरी वगैरह जो है मैंने चेंज करके देख लिए, बैटरी से भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। बाकी पार्ट्स थे वो भी मैं चेंज कर लिए, तो कोई सोल्यूशन नहीं निकला दोस्तों। तो मैं इसको अब ये पता है कि दोस्तों मैंने पहले भी ऐसे केस ठीक किए हुए हैं, आईफोन XR और आईफोन 11 प्रो मैक्स में मैंने ये प्रॉब्लम ठीक की हुई है। तो उस हिसाब से मुझे डाउट है कि इसमें वही प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, कौन सा पार्ट ख़राब है जो मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, और उसके बाद ये फ़ोन की प्रॉब्लम जो है कि सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से मैंने इसको रिप्लेस किया है। तो मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस फ़ोन की प्रॉब्लम को हमें ठीक करना है। तो फिर इसको पहले खोल लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसको खोलने के बाद यहाँ का करना है दोस्तों, यहाँ पे जो है कि इसकी जो डिस्प्ले है, मैं प्लस को हटा देता हूँ। बाकी दोस्तों अब जो मैं बताता हूँ इसकी प्रॉब्लम आखिर है क्या। दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम है वो है चार्जिंग पत्ते की। दोस्तों चार्जिंग पत्ता जो है इसका वो ख़राब है, इसी वजह से ही इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों चार्जिंग पत्ता, अगर आपको डाउट है कि चार्जिंग पत्ता ख़राब है, लेकिन दोस्तों अगर ऊपर से आप चार्जिंग पत्ता लगाओगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपको ये चार्जिंग पत्ता जो है कि फ्लेक्स करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों मेरे पास ये ओरिजिनल चार्जिंग फ्लेक्स है, जो 100% ओरिजिनल है, ब्रांड न्यू। तो दोस्तों मैं इसमें फिक्स करूँगा, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। दोस्तों अगर चार्जिंग पत्ता हटा के चेक करोगे तब भी ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, और चार्जिंग पत्ता ऐसे ऊपर लगाओगे तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपको चार्जिंग पत्ता जो दोस्तों कि नया जो है कि इसमें फिट करना होगा प्रॉपर तरीके से, पूरे के पूरे स्क्रू लगा सब कुछ तैयार करना होगा, तब जाके आपकी ये प्रॉब्लम जो है कि सॉल्व होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं पहले इस फ़ोन के जो सारे स्क्रू हैं वो खोल लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ रिप्लेस करके कि ये प्रॉब्लम वाकई में इस चार्जिंग पत्ते से सॉल्व हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने पहले भी 11 प्रो मैक्स और XR में ये प्रॉब्लम जो है कि ठीक की हुई है, तो उस हिसाब से मुझे डाउट है कि ये चार्जिंग पत्ते की ही प्रॉब्लम है ज़्यादातर। दोस्तों ये जो है 11 XR, 11 प्रो मैक्स और 11 प्रो में दिक्कत ज़्यादातर आती है, ठीक है। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसा कोई केस आता है जिसमें ये अपने आप बंद हो रहा है, ऑन हो रहा है या कुछ होता है, तो ऐसे में आप चार्जिंग पत्ते को ही रिप्लेस कर देना, और ये आपकी प्रॉब्लम जो है कि 100% सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो बनते हैं, देखते हैं कि कैसे किया मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व, ठीक है। चलिए देखते हैं।
तो दोस्तों मैंने चार्जिंग फ्लैक्स को जो है कि फिक्स कर दिया है और सब कुछ चेक कर लिया है, ओके है चार्जिंग फ्लैक्स। चलिए दोस्तों मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि फ़ोन दो मिनट में बंद हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो चलिए मैं पहले इसमें वीडियो प्ले कर लेता हूँ, ठीक है। पहले के दो मिनट की टाइमिंग थी, लेकिन दोस्तों आप चलिए दोबारा स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं बंद होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ। तो दोस्तों अब मैंने वीडियो को जो है कि फॉरवर्ड कर दिया है ताकि हमारा टाइम जो है काफ़ी बच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वेट करता हूँ कि दो मिनट में बंद हो रहा है, पिछली बार कहता था कि नहीं बंद हो रहा है। तो यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिए देखो दोस्तों दो मिनट से ऊपर हो चुका है और ये फ़ोन बंद नहीं हुआ है, यानी कि दोस्तों हमारी प्रॉब्लम जो है कि सॉल्व हो गई है। और तीन मिनट का टाइम हो गया है और चार मिनट भी हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए चार मिनट भी हो गया है, पाँच मिनट भी हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हमारी प्रॉब्लम जो है कि सॉल्व हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर, ठीक है। तो दोस्तों ये चार्जिंग फ्लैक्स है, ठीक है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है रीस्टार्ट की, तो आप चार्जिंग फ्लैक्स को चेंज कर दीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक गुड बाय एंड टेक।